भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, यहाँ पे जेम के पोर्टल पे आपको आपका कोई भी ब्रांड रजिस्टर करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि कभी आप देखते हैं कैटलॉग बनाने जाते हैं और आपको आपका ब्रांड नहीं मिलता है, तो आप अपना ब्रांड कैसे अपडेट करेंगे, या फिर आप जो सेल बेचते हैं वो भी आप कर सकते हैं एज ए सेलर, और यदि कोई OEM है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि आपको मैन्युफैक्चरर के पास ही जाना पड़ेगा ब्रांड रजिस्टर करने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एक सोलर टॉर्च लाइट का देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अभी यहाँ पे सोलर टॉर्च लाइट जैसे ही सर्च करूँगा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया सोलर टॉर्च लाइट। मैं वहां पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ब्रांड अपने को देखने को मिलता है जो मेरा कौन कौन सा ब्रांड अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि मुझे मेरा ब्रांड यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अनब्रांड का भी बहुत सारे प्रोडक्ट में ऑप्शन रहता है, कुड नॉट फाइंड योर ब्रांड, क्लिक टू एड ब्रांड पे। तो देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका एड ब्रांड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है न्यू ब्रांड इन दिस कैटेगरी, OEM डैशबोर्ड, एग्जिस्टिंग ब्रांड इन दिस कैटेगरी, आपको जो है कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है कि आपको यूजुअली 7 डेज का टाइम लगेगा, ये आपको बता रहा, पर नहीं बहुत 3 डेज में भी हो जाता है। आप अपने ब्रांड का नाम डालिए, जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ ABC टॉर्च, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, और उसके बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। देखिए न्यू ब्रांड्स के लिए जैसे प्रोसीड करेंगे मुझे ABC टॉर्च के लिए आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के गाइडलाइंस हैं, यदि आपको ये ब्रांड रजिस्टर करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ, यदि आपके पास ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रूफ है तो आप डाल सकते हैं। ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। OEM का ऑथराइजेशन लेटर और गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी, अदर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, यदि आपके पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये पता चले कि एक ब्रांड है तो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए ऑप्शन है कि आप OEM खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यदि रीसेलर है तो उनसे, उसमें से आपके पास यदि ऑथराइजेशन लेटर है तो भी आप ब्रांड रजिस्टर उनके बिहाफ में करके दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला उसका वेबसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टार मार्क है, तो आपके पास यहाँ पे स्टार मार्क है इसलिए वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे लिंक डाल दीजिए, मल्टीपल लिंक है एक से ज़्यादा, तो आप मल्टीपल लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसमें से आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे OEM ऑथराइजेशन लेटर ले देता हूँ या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ। तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद आ रहा है जो आपको प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में चाहिए, कि जैसे कि कम टाइम में चाहिए, तो आपके पास उसके लिए बीड कोई होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो हो जाएगा। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ और अप्लाई फॉर ब्रांड, यहाँ मुझे लिंक की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ गूगल में सर्च कर देता हूँ, डाल देता हूँ, और फिर मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि HTTPS / वगैरह प्रॉपर आना चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ पे डाल दिया, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी पेस्ट कर दें, उसको निकाल दें और इसको पेस्ट कर दें, अप्लाई फॉर ब्रांड। तो ये मेरा ब्रांड के लिए प्रोसेस हो गया, 7 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा हुआ रहा है कि आपको 7 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा, पर हो जाएगा यदि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है। तो मेरा एक ब्रांड आप नीचे देख सकते हैं, रॉयल लाइट है टॉर्च लाइट का, और वह मेरा ब्रांड अप्रूवल हो चुका है। देखिए यहाँ पे वेबसाइट और ऑथराइजेशन लेटर मैंने डाल के अप्रूव किया था, तो मैं एज ए रीसेलर मैं इस ब्रांड को अप्रूव किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये ब्रांड अप्रूव हो चुका है। अभी दिखाता हूँ ये ब्रांड आपको दिखेगा, तो मैं यहाँ पे कैटलॉग में जाता हूँ, ऐड न्यू ऑफरिंग, तो यहाँ पे मुझे मेरा ब्रांड दिखता है कि नहीं देखते हैं। वैसे पर जो ब्रांड आप अपलोड करोगे उस ब्रांड का वही प्रोडक्ट कैटेगरी में होगा,
जैसे कि मैंने यहाँ पे सोलर टॉर्च लाइट डाला है तो उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में मेरा ब्रांड मिलेगा, दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी में ये ब्रांड आपको नहीं मिलेगा। देखिए आ गया, अब यहाँ देखते हैं हमारा ब्रांड है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे रॉयल लाइट करके है, यस मेरा ब्रांड अप्रूव्ड हो चुका है और वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न मत भूलिए। थैंक यू।